आज की शुरुआत, आज की क्लास की शुरुआत हम करेंगे प्रोटेक्शन से। प्रोटेक्शन, हाउ कैन प्रोटेक्ट योर सीट, फाइल एंड रेंज। ठीक है, तो सबसे पहले हम यहां पे एक डेटा देते हैं। अभिषेक जी, मेरी आवाज आपको आ रही है? यस सर। तो हम प्रोटेक्शन, एडवांस एक्सेल में प्रोटेक्शंस वाले टॉपिक से कंटिन्यू करें सेशन को। जैसे कि आपके सामने मेरे पास एक डेटा है, मैं चाहता हूं कोई भी पर्सन मेरे इस डेटा को छेड़छाड़ न कर सके। तो हम क्या करेंगे, सीट के ऊपर जाएंगे, राइट क्लिक करेंगे और यहां पे करेंगे प्रोटेक्ट। प्रोटेक्ट में पासवर्ड देंगे, पासवर्ड को कंफर्म करेंगे। पासवर्ड कंफर्म करने से पहले एक चीज यहां देख लीजिए, यहां माइक्रोसॉफ्ट क्लियरली मेंशन करके बोल रहा है कि इफ लॉस एंड फॉरगेट द पासवर्ड इट कैन नॉट बी रिकवर्ड। पासवर्ड अगर भूल जाते हैं तो माइक्रोसॉफ्ट आपको रिकवर करके नहीं देगा, क्लियर यहां पे बोला है। ठीक है, तो पासवर्ड डालने के बाद हम ओके करते हैं। यहां कहीं भी हम डबल क्लिक करें हैं और कहीं भी हम कुछ भी करते हैं तो हमारा परफॉर्म नहीं होता है, लेकिन हम एरिया को सिलेक्ट कर सकते हैं। इतना कर सकते हैं, क्यों? क्योंकि हम जब अभी मैं अनप्रोटेक्ट करता हूं, यहाँ पे पासवर्ड डाल के अनप्रोटेक्ट किया और राइट क्लिक करके वापस प्रोटेक्ट करता हूँ, यहाँ पे पासवर्ड डालता हूँ। पासवर्ड आने से पहले यहाँ देखिए बहुत सारे चेकबॉक्स हैं। अब इन चेकबॉक्स के बारे में समझते हैं। ऊपर क्लियर लिखा है अलाउ ऑल यूजर ऑफ दिस वर्कशीट टू, अलाउ ऑल यूजर्स ऑफ दिस वर्कशीट टू, मतलब आफ्टर द सिलेक्शन जो है आप सिलेक्ट कर सकते हैं और अनसिलेक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा इसे फॉर्मेट सेल, अगर फॉर्मेट सेल पे क्लिक कर दिया, ओके कर दिया, तो अब यहां हम पासवर्ड डाल के ओके करते हैं। यहाँ पे अभी कुछ भी यहाँ डालते दिख रहा है आपको, नहीं कर पाते हैं, लेकिन फॉर्मेटिंग कर पाएंगे। क्यों? क्योंकि हमने फॉर्मेटिंग के जो परमिशन थे उसको अलाउ कर दिया। अब क्वेश्चन आता है कि मैं कॉपी को डिसेबल करना चाहता हूं, मैं चाहता हूं कि कोई भी पर्सन मेरे डेटा को कॉपी ना कर सके, कोई भी पर्सन मेरे डेटा को कॉपी नहीं कर सके, तो क्या करूं उसके लिए? तो इसके लिए हम क्या करेंगे, राइट क्लिक करके अनप्रोटेक्ट करते हैं, फिर इसको प्रोटेक्ट करते हैं। तो प्रोटेक्ट करते समय यहां दिख रहा होगा सिलेक्ट लॉक सेल और सिलेक्ट अनलॉक सेल। तो जो सिलेक्ट लॉक सेल अनलॉक सेल है इसकी परमिशन हटा दिया। अब आप लोगों के मन में ये सवाल उठ रहा होगा कि सिलेक्ट लॉक सेल और सिलेक्ट अनलॉक सेल क्या होता है। देखिए, सिलेक्ट लॉक सेल अनलॉक सेल के बारे में हम कल की क्लास में अच्छे तरीके से सीखेंगे। फिलहाल इस चीज को समझ लीजिए कि जस्ट एक परमिशन है। तो हमने परमिशन, सिलेक्शन परमिशन को हटा दिए, अब यहां हम कुछ भी सिलेक्ट नहीं कर पा रहे, और जब सिलेक्ट नहीं करेंगे तो कॉपी करने का कोई फायदा ही नहीं है। तो हमने क्या किया, इस तरीके से कॉपी डिसेबल कर दिया। हमने क्या किया, कॉपी डिसेबल कर दिया। समझ गए गंगा जी? हाँ जी सर, समझ गया। ओके, अब आगे बढ़ते हैं। अगला टॉपिक यहाँ पे आता है कि मैं चाहता हूं एक पर्टिकुलर एरिया को प्रोटेक्शन से बाहर करना। मैं चाहता हूं कि पूरा सीट पे आप कहीं भी टाइप ना कर सके, बट इस एल्बो एरिया पे टाइप कर सके। अब समझिए, जब भी हम सीट के ऊपर पासवर्ड लगाते हैं तो क्या होता है। जब भी सीट के ऊपर आप पासवर्ड लगाते हैं तो यहां ऊपर क्लियर मेंशन है प्रोटेक्ट वर्कशीट एट कंटेंट ऑफ लॉक सेल, मतलब आपका पासवर्ड वहीं पे अप्लाई होता है जहां पे से आपका लॉक्ड सेल होता है।
अब लॉक्ड सेल अनलॉक सेल क्या है? तो किसी भी सेल के ऊपर राइट क्लिक करके फॉर्मेट सेल पे जाते हैं और टैक्शंस पे जाते हैं, तो यहां आपको दिखेगा लॉक सेल, ठीक है। तो जो लॉक सेल है इसका मतलब है ये पासवर्ड को सपोर्ट कर रहा है। लॉक का मतलब ये नहीं हुआ कि लॉक हो गया पासवर्ड लग गया, ये पासवर्ड को सपोर्ट कर रहा है। लॉक हटा दिए तो पासवर्ड को सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। तो मैंने क्या किया कि हम पूरे इस येलो एरिया को सिलेक्ट किया, राइट क्लिक किया, फॉर्मेट सेल में गए और लॉक्ड को हटा दिया, देन ओके। अब मैं यहाँ पे राइट क्लिक करके प्रोटेक्ट शीट पासवर्ड डालूंगा और यहाँ पे पासवर्ड को कन्फर्म करूंगा। अब जो है देख सकते हैं कि मैं यहाँ किसी तरह का टाइप नहीं कर सकता हूं, बट यहाँ पे टाइप कर सकता हूं। इसी को उल्टा करना चाहूं, इसको सिलेक्ट किया और इसको मैं उल्टा करता हूं, जो एरिया कलर एरिया है मैं चाहता हूं इसमें टाइप ना हो बट पूरे सीट में टाइप हो। तो डिफॉल्ट हर एक सीट पहले, हर एक सेल पहले से लॉक को सब लॉक्ड होता है, उसकी फॉर्मेटिंग लॉक होती है, प्रॉपर्टीज लॉक होती है। तो मैंने पूरे सीट को सिलेक्ट किया, कैसे? मैं दो बार कंट्रोल ए करके सिलेक्ट कर लिया या फिर वन और ए के बीच में जो ट्रायंगल है इस पे क्लिक कर दिया, फिर राइट क्लिक किया और हम यहाँ चले गए फॉर्मेट सेल में और यहाँ से मैंने लॉक को हटा दिया। लॉक्ड को हटाने के बाद ओके करते हैं। ओके करने के बाद अब जो है ये जो कलर एरिया है जिसको प्रोटेक्शन प्रोटेक्ट रखना है उस एरिया पे गए और इसके ऊपर राइट क्लिक कर फॉर्मेट सेल में वापस लॉक लगा दिया। मतलब कि पूरा सीट का फॉर्मेट फॉर्मेट जो प्रॉपर्टीज है वो अनलॉक्ड है, सिर्फ इस कलर एरिया का लॉक है। फिर राइट क्लिक करूंगा प्रोटेक्ट शीट और यहाँ पे पासवर्ड डालूंगा, पासवर्ड को कंफर्म करूंगा एंड यहाँ देखिए हम टाइप कर पा रहे हैं बट यहाँ पे टाइप नहीं कर पा रहे हैं। अब यहाँ पे एक सवाल आता है कि आखिर इसका बेनिफिट क्या है, क्योंकि ये तरीका तो हो सकता है कोई ट्रेनर भी आपको सिखा दे या इंटरनेट से भी आप देख लें, यूट्यूब पे मिल जाएंगे, लेकिन क्वेश्चन आता है कि हम इसका यूज क्या करेंगे, ऑफिस के अंदर में इसका यूज क्या है। तो चलिए हम बात करते बताते हैं आपको। जैसे मान लीजिए हम एक डेटा एंट्री कर रहे हैं, तो यहां पे मैंने नेम ले लिया, यहाँ क्वांटिटी, यहां पे हमने लिख दिया एमआरपी, क्वांटिटी एमआरपी, और यहां आ जाता है हमारा अमाउंट, यहाँ हो जाता है कमीशन, अमाउंट कमीशन, जीएसटी टोटल। उसके बाद हम यहाँ पे जोन एंड डेट डालते हैं, और भी डेटा हो सकता है। अभी क्या है कि जो अमाउंट है इट्स मल्टीप्लाई बाय क्वांटिटी और एमआरपी, तो हमने क्वांटिटी के साथ एमआरपी का मल्टीप्लाई कर दिया। फिर कमीशन जो है अमाउंट जो है इसका 2% है कमीशन अमाउंट का। फिर जीएसटी, जीएसटी क्या है इसका भी अमाउंट का 18% है। फिर इनका टोटल हमने टोटल कर लिया और इसको नीचे तक ड्रैग कर देते हैं, कंट्रोल डी, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है कि मैं डेटा एंट्री करता हूँ, देखिए हमने लिखा पूजा, क्वांटिटी में हमने दे दिया 20, एमआरपी दे दिया 50, एंटर मारते बाकी कैलकुलेट हो जाता है। अब मुझे एक एक करके यहाँ जाना होता है, फिर जोन लिखना पड़ता है और फिर यहाँ पे डेट देना होता है। तो आप देख सकते हैं कि मैं कि एंट्री करने के बाद चार कॉलन टपने के बाद मैं यहाँ जोन पे आता हूँ, चार कॉलन टपने के बाद 1 2 3 4 उसके बाद यहाँ पहुंचता हूँ, ठीक है।
समझ रहे हैं सर, मतलब हर एंट्री पे 4 सेकंड जा रहा है। मैं चाहता हूं कि मेरा कर्सर यहां से डायरेक्ट जंप करके यहां आ जाए, मेरा कर्सर यहां से डायरेक्ट करके जंप यहां आ जाए, मतलब कि मैं इसको सिलेक्ट, इस पे कर्सर मेरा जाए ही नहीं। इससे दो बेनिफिट होगा, एक तो डेटा एंट्री में हमें प्रॉब्लम नहीं होगी पहला, दूसरा इसमें हमारे साथ बेनिफिट क्या होगा, दूसरा बेनिफिट ये होगा कि हम फॉर्मूला को किसी को देखने नहीं देंगे। कैसे करेंगे? सेम उसी तरह से करेंगे जो हमने सीट 3 पे किया था। सीट 4 पे हम पूरी की पूरी सीट को करेंगे सिलेक्ट, फिर राइट क्लिक करेंगे, फॉर्मेट सेल पे जाएंगे और लॉफ्ट को हटा देंगे। मतलब अब पासवर्ड डालने के बाद हम पूरे सीट पे कहीं भी कुछ टाइप कर सकते हैं, लेकिन डी ई एफ जी जिस पे मेरा फॉर्मूला लगा है इसको मैंने सिलेक्ट किया, फॉर्मेट सेल पे गए और लॉक्ड को लगा दिया, देन ओके। अब इसके ऊपर मैं यहां से राइट क्लिक किया, प्रोटेक्ट शीट, पासवर्ड डाला, लेकिन उससे पहले यहां देखिए क्या है, अनाउंस। तो मैंने यहां से सिलेक्ट लॉक सेल हटा दिया, क्या हटा दिया, सिलेक्ट लॉक्ड सेल, देन ओके। अब क्या होगा, अब देखिए मैं यहां नाम डाला ओम, यहां पे FD8 यहां डाला और जैसे टैब प्रेस किया मेरा कर्सर सीधे जंप करके यहां पहुंच गया, तो मैं इसका सिलेक्ट ही नहीं कर पाया, समझे। समझ में आया आप शेख जी? यस सर। सर फॉर्मूला भी शो नहीं करेगा क्या? वहां पे कर्सर जाएगा नहीं तो फॉर्मूला कहां शो कर जाएगा सर? माउस से क्लिक करके नहीं, नहीं क्लिक होगा ही नहीं, मैं सिलेक्शन तो हटा दिया ना। अच्छा जी, आप इसे देखा नहीं ध्यान से, जब हमने अनप्रोटेक्ट करता हूँ, जब हमने पासवर्ड डाला तो पासवर्ड डालते समय हमने क्या बोला, सिलेक्ट अनलॉक सेल को अनचेक कर दिया। अनलॉक सेल कौन कौन से है, डी ई एफ जी, यही है ना? यस सर। तो मैंने परमिशन ही हटा दिया कि पासवर्ड डालने के बाद सिर्फ सिलेक्ट हो अनलॉक सेल, मतलब कि डी ई एफ जी के अलावा जितने भी सेल है वो सिलेक्ट हो, बट ई एफ जी कॉलम का सेल सिलेक्ट ना हो। जब सिलेक्ट ही नहीं होगा तो आप फॉर्मूला कैसे देख लेंगे, ठीक है सर? ओके सर, ओके सर, ओके। गंगा जी समझ में आया आपको? हाँ जी सर, आ रहा है। ओके, अब जैसे फॉर्मूले की बात कर लेते हैं, मान लीजिए आपको फॉर्मूला हाइड करना है, आप चाहते हैं कि मेरा सिलेक्शन भी हो, डेटा सिलेक्ट भी हो, बट मेरा फॉर्मूला विजुअल ना हो। जैसे मान लीजिए मैंने यहाँ पे सम का फॉर्मूला लगाया हुआ, मैं नहीं चाहता कि कोई भी सम को देखे कि क्या फॉर्मूला लगाया ऊपर में, तो मैं इसके ऊपर राइट क्लिक करूंगा, फॉर्मेट सेल में जाऊंगा, ये दिख रहा है हिडन लॉक के नीचे, इस हिडन को क्लिक करूंगा और बोलूंगा ओके, और फिर राइट क्लिक, टेक्स्ट शीट, पासवर्ड डालेंगे, हेलो, ठीक है, दिख रहा है सर? नहीं दिख रहा है, बट इसमें जाइए दिखेगा, दिख रहा है बट इसमें नहीं दिख रहा है, इसमें दिख रहा है, इसमें नहीं दिख रहा है, समझ गए सर? वैल्यू शो करनी हो तो क्या ये इसमें पता नहीं चलेगा, इसमें फॉर्मूला लगा रखा है, जैसे 85 आ रहा है वैसे ही 8 to 8 शो करेगा? नहीं ऐसा नहीं, फॉर्मूला वाला ऐसा नहीं, 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 नहीं। अब चलिए आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा हम चाहते हैं एक ही एरिया में एक से ज्यादा पासवर्ड लगाना, समझे, एक एरिया में एक से ज्यादा पासवर्ड लगाना, तो मान लीजिए ये मिस्टर ए का पासवर्ड है, ये मिस्टर बी का पासवर्ड है, मिस्टर ए का पासवर्ड और मिस्टर बी का पासवर्ड, वैसे तो मिस्टर ए
अपने एरिया में काम करे, मिस्टर बी अपने एरिया में काम करे, मतलब हम दोनों को अलग अलग पासवर्ड देना चाहते हैं। ये चीजें कहां से होगी? रिव्यू से। कहां से? रिव्यू से। यहां प्रोटेक्ट वर्कबुक पे क्लिक करेंगे, नहीं माफ कीजिए, यहाँ अलाउ एडिट रेंज, अलाउ एडिट रेंज, न्यू पे जाएंगे और हम मिस्टर यहाँ ए के नाम दे देते हैं और फिर इस पे क्लिक करके मिस्टर ए का एरिया सेलेक्ट कर लेते हैं। ठीक है, और पासवर्ड यहां दे देते हैं, ओके, पासवर्ड को कन्फर्म करते हैं, वापस न्यू पे जाते हैं, देते हैं मिस्टर बी, इस पे जाते हैं और मिस्टर बी का एरिया देते हैं, मिस्टर बी का पासवर्ड देते हैं एंड ओके, मिस्टर बी को कंफर्म करते हैं एंड अप्लाई एंड ओके। तो मिस्टर ए मिस्टर बी दोनों पे हमने अलग अलग पासवर्ड रख दिया, लेकिन अभी भी हम टाइप कर पा रहे हैं क्योंकि ये पासवर्ड तभी एक्टिवेट होंगे जब हम सीट को एक्टिव करेंगे, सीट को प्रोटेक्ट करेंगे। सीट के ऊपर गए, प्रोटेक्ट सीट, पासवर्ड डाला, पासवर्ड कन्फर्म किया एंड ओके। अब देखिए जैसे यहाँ पे टाइप करूंगा पूछेगा पासवर्ड, जैसे मैं पासवर्ड जब तक ना डालू मुझे टाइप नहीं करने देगा। पासवर्ड डाला तो अब इस पे मैं टाइप कर सकता हूँ, ठीक है, बट यहाँ टाइप नहीं कर सकता मैं, और जैसे इस पे टाइप करने की कोशिश करूंगा तो मिस्टर बी के पास मांगेगा। क्लियर है सर? एक ही सीट पे कई सारे सेल्स में अलग अलग पासवर्ड कैसे लगाएंगे, समझ में आ गया? हाँ जी सर, आ गया। अब बात आती है कि मेरा सीट तो अनप्रोटेक्ट है ना, मैं चाहता हूँ सीट को कोई प्रोटेक्ट, कोई किसी कोई सीट को कोई डिलीट ना कर सके, कभी तो डिलीट हो सकता है। यही आपका प्रोटेक्ट वर्कबुक होता है रिव्यू के अंदर ही, रिव्यू टैब के अंदर ही आपका प्रोटेक्ट वर्कबुक होता है। इस पर क्लिक कीजिए, पासवर्ड डालिए एंड ओके कर दीजिए। अब क्या होगा कि कोई सीट को भी किसी भी तरह से डिलीट और किसी तरह से कुछ और चीज नहीं कर पाएगा। ठीक है, अब बात आती है फाइल की ओपनिंग पासवर्ड डालना। तो यहाँ फाइल पे आइए और सेव कीजिए, सेव में जाइए ब्राउज में और यहाँ सेव नाम अगर टाइप और सेलेक्ट करते हैं तो यहाँ टूल्स दिखेगा, टूल्स में आपको दिखेगा जनरल ऑप्शन, इस जनरल ऑप्शन पे क्लिक कीजिए, पासवर्ड टू ओपन, पासवर्ड टू मॉडिफाई एंड ओके, कन्फर्म कीजिए एंड कन्फर्म कीजिए। ठीक है, तो आप फाइल को लॉक कर सकते हैं, आपका फाइल बिना पासवर्ड का ओपन नहीं होगा। लेकिन इसके लिए मुझे फाइल को करना पड़ा सेव एज, और मैं फाइल को सेव एज नहीं करना चाहता, मैं फाइल को सेव एज नहीं करना चाहता। तो क्या करें इसके लिए? तो इसके लिए यहाँ इन्फो के अंदर आइए, प्रोटेक्ट वर्कबुक एनक्रिप्ट विद पासवर्ड, यहाँ पे पासवर्ड डाल दीजिए। ठीक है, ये आपका ओपनिंग पासवर्ड हो जाएगा। तो ये थी प्रोटेक्शन। प्रोटेक्शन समझ में आ गई आप लोगों को? कोई डाउट तो नहीं है सर? कोई फाइल डिलीट नहीं कर सके क्या? अगर कोई फाइल डिलीट नहीं, फाइल जो है फोल्डर का पार्ट है। किसका पार्ट है? फोल्डर का। तो आपको फोल्डर का फाइल पे नहीं सर, समझे? जिस फोल्डर लॉक का वगैरह सॉफ्टवेयर होते हैं या फोल्डर लॉक सिस्टम होता है उसके थ्रू होगा, एक्सेल के जरिए नहीं हो सकता। एक्सेल जब तक फाइल ओपन नहीं होता है तब तक का काम करता है, फाइल ओपन होने के बाद जो भी करना चाहते कर सकते हैं, फाइल बंद फाइल और कुछ नहीं करता है।
ठीक है ठीक है, बंद फाइल को कुछ नहीं करता। अब हम बात करते हैं सॉर्टिंग एंड फिल्टर, छोटा छोटा टॉपिक है सॉर्टिंग एंड फिल्टर, आई थिंक आप उसको जानते भी होंगे यार, लेकिन फिर भी मैं एक बार बता देता हूँ। आपके सामने एक डेटा है, तो बड़ा डेटा ले लीजिए, रुक जाइए, छोटा छोटा डेटा ले लो, ठीक है। अभी हमारा डेटा है, अब इसको शॉर्ट करना है, तो शॉर्टिंग तो पता होगी आप लोगों को या नहीं पता है सर? डेटा को शॉर्ट करना गंगा जी, पता है आपको? हाँ सर पता है, क्यों तो करते हैं डेटा शॉर्ट? नहीं मुझे वो समरी करने के लिए, एक तो नहीं, डेटा शॉर्ट समरी के लिए थोड़ी करते हैं, समरी की कीमत करते हैं असेंडिंग डिसेंडिंग एक ऑर्डर के हिसाब से करने के लिए, सीक्वेंस पे अरेंज करने के लिए। हाँ जी ठीक है ना, आपने हिंदी में शायद पढ़ा, हम लोग हिंदी में पढ़े थे बढ़ते हुए क्रम में घटते हुए क्रम में, क्या तो शॉर्ट कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए मुझे क्वांटिटी अकॉर्डिंग डेटा देखना है कि सबसे हाईएस्ट सुपर और लोएस्ट नीचे हो, तो क्वांटिटी में कर्सर रखिए और जाइए यहाँ पे अपना डेटा शॉर्ट पे, और यहाँ से ए शॉर्ट ए टू जेड, और यहाँ पे शॉर्ट जेड टू ए आराम से कर दीजिए, ठीक है। लेकिन मान लीजिए मुझे दो के अकॉर्डिंग शॉर्ट करना है, मैं चाहता हूँ जोन के अकॉर्डिंग, फिर कस्टमर के अकॉर्डिंग, और फिर मैं चाहता हूँ अपना क्वांटिटी के अकॉर्डिंग शॉर्ट हो, ठीक है समझे? तो इसके लिए क्या करेंगे हम, यहाँ कस्टम शॉर्ट पे आएंगे, यहाँ जो फिल्टर में लिख पा रहे हैं कस्टम शॉर्ट, कस्टम शॉर्ट में आने के बाद मैं यहां से सिलेक्ट करता हूं सबसे पहले जोन, सिलेक्ट करता हूं सबसे पहले जोन, एड लेवल कीजिए, यहां करते हैं यहां पे कस्टमर, फिर एक बार एड लेवल कीजिए, यहां करते हैं क्वांटिटी, देखिए जोन आया, जोन के अंदर एक कस्टमर शॉर्ट हुआ, और इसके जगह पर देखिए सोल्ड क्वांटिटी हमारा उसके अकॉर्डिंग शॉर्ट हुआ। तीसरा तो नॉर्मल शॉर्ट है, सब कुछ कर लेता है। कॉलम कब आती है? जब मेरे पास यहाँ पे मंथ मंथ रिगर, अब मुझे मंथ के अकॉर्डिंग करना है शॉर्ट, मंथ के अकॉर्डिंग क्या करना है शॉर्ट करेगा, तो कैसे करें? नहीं कैसे क्या करें सर, मंथ सेलेक्ट करेंगे और यहां से शॉर्ट कर देंगे। देखिए अप्रैल आया, फिर अगस्त आया, फिर दिसंबर आया,
क्योंकि आप नॉर्मली शॉर्ट करते हैं तो अल्फाबेट के हिसाब से शॉर्ट, जब आप जैन फेब मार्च से लिखे हो, अगर डेट वगैरह है तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। बहुत सारी जगह पे क्या होता है कि दिखता जैन फेब है, एक्चुअली में क्या होता है, 1 अप्रैल, 1 मार्च, 1 जनवरी, 1 फरवरी, ऐसे डेट होता है, ठीक है ना। बट यहाँ पे टेक्स्ट में है, तो इसके लिए क्या करना है आपको, जब आप इसको शॉर्ट करें तो कस्टम में जाए, यहां से मैं डिलीट कर देता हूँ यहां, और यहां से मैं मंथ को लेता हूं, और यहां पे हम ए टू जेड नाले के कस्टम लिस्ट लेते हैं, ए टू जेड नाले के हम कस्टम लिस्ट लेते हैं, और इस कस्टम लिस्ट में हम मान लीजिए यहां पे जैन फैड है उसको ले लेते हैं, डन ओके एंड डन, समझे सर, जैन फैड आ गया। उसके बाद कई बार क्या होता है कि चीजें शॉर्ट होती ही होता है, हाईलाइट होती है, जैसे मैंने यहाँ पे हाईलाइट किया हुआ है, और मैं चाहता हूँ जो कलर वाइज है ना, जो हाईलाइटेड है वो टॉप पे आ जाए और बाकी नीचे चले जाए, या हाईलाइटेड बॉटम पे आ जाए, तो वो आप शॉर्ट बाय कलर भी कर सकते हैं। कस्टम पे जाएंगे और यहाँ से मंथ में सोल्ड क्वांटिटी, और यहाँ सेल वैल्यू की जगह पे सेल कलर, और सेल कलर में आप सेलेक्ट कर देंगे ये वाला, देन ऑन द टॉप ऑन द बॉटम आपका शॉर्ट हो जाएगा। ओके वो सब कस्टम कैसे बनाते हैं और पता बताने, कस्टम लिस्ट वाली थी ना मंथ में, जो संडे फरवरी जनवरी मंथ अलग अलग थी। हाँ, तो यही सब रहता है ना, कस्टम शॉर्ट पे जाएंगे, और जैसे कि मैंने सेलेक्ट कर लिया अपना मंथ, यहाँ पे सेल कलर की जगह पे सेलेक्ट कर लीजिए सेल वैल्यू, और ए टू जेड के नीचे कस्टम लिस्ट दिखेगा, क्या दिखेगा, कस्टम लिस्ट, इसे क्लिक करके पीडीएफ फाइल बना होता है, आपको बनाना नहीं है सर। हाँ, ये क्रिएट करनी हो और अपने खुद की न्यू लिस्ट। अच्छा, हाँ ठीक है सर, हो जाएगा, क्रिएट करें तो न्यू लिस्ट पे जाइए, क्रिएट कर लीजिए, ठीक है। अब जैसे सर हर इसमें आपको समझ में आ गया, उसके बाद फिल्टर, फिल्टर तो पता ही है, मोस्टली सबको पता होता है क्या, फिल्टर फिल्टर कर लीजिए। अब यहाँ से जिसको सिलेक्ट करना है उसको सिलेक्ट कर सकते हैं, कितनी जाने का हुआ, या फिर कंडीशन लगा लीजिए इक्वल नॉट इक्वल बिगेन कंटेनर वगैरह, वो आपको दिखा देगा, इसके अलावा भाई आपको कहीं आता हो, आता है मतलब कोई फिल्टर से बंद करें लेकिन बात होती है कि जिसने शॉर्टिंग की बात की तो इसका तो ठीक है, डेटा शॉर्ट कर लेते, इसके अलावा और क्या हो सकता है, जैसे मैंने बताया कि हम हर चीज को ट्रिक के रूप में आपको समझाते हैं, तो चलिए यहाँ पे हम बात करते हैं, ये छोटा सा डेटा बनाते हैं क्वार्टरली, क्वार्टर नेम क्वांटिटी अमाउंट, तो यहाँ पे हमने क्वार्टर वन लिया और नीचे ड्रैग कर दिया, मान लीजिए इस तरह का डेटा आ गया हमारे पास, और यहाँ पे पूछा नेम देते हैं, और यहाँ रैन बिटवीन का फॉर्मूला हम लगाते हैं और यहाँ पे रैंडम नंबर दे देते हैं, ठीक है, और यहाँ पे पेस्ट वैल्यू कर दिया। अब मुझे इसमें एक छोटा सा काम करना है, क्या करना है, मुझे यहाँ पे हर तार के बाद एक नया रो खोलना है,
और यहां पे लिखना है टोटल, यहां पे करना है सम, समझे? क्योंकि क्वार्टर है ना, क्वार्टर 1 2 3 4, फोर के बाद उसका टोटल चाहिए। और इसको बोल्ड करना है, कैसे होगा? अब मेरे पास ऐसे 5-10 हजार का डेटा है, मैनुअल करूंगा तो काफी टाइम लगेगा, समझे सर? सर ये तो मैक्रो से होगा सर। हाँ, लेकिन मैक्रो हमारा लास्ट होता है, हम मैक्रो नहीं लगाना चाहते। कैसे होगा? देखिए, इस 10 हजार का डेटा है, मान लीजिए 70 है, मैं मान लीजिए 10 हजार का डेटा है, तो करने में आधा घंटा, 1 घंटा 2 घंटा या 5 घंटा भी लग सकता है। इसी काम को हम देखिए कितना अच्छे तरीके से हम करते हैं। हमें क्या करना है, हमारा इतना इतना हमें पता है कि 1 2 3 4 4 के बाद फिर 1 2 3, इस तरह से ओपन हो रहा है, समझे? मतलब कि हर 4 रो के बाद हमें एक ब्लैंक रो इंसर्ट करना, ये फिक्स है, राइट सर? तो मैं यहाँ पे 1 को 4 बार लिखूंगा और फिर पहले 1 में +1 कर दूंगा। मतलब कि मैं करना चाहता हूं हर नंबर को 4 बार, कि हर नंबर कितना बार हो, 4 बार हो, कि हाँ 1 4 बार आ गया, 2 4 बार आ गया, 3 4 बार आ गया, 4 4 बार आ गया, इस तरह से हर नंबर 4 बार आ गया, ठीक है? हमने यहां देखा 17 तक नंबर गया है, फिर नीचे मैं हर नंबर को 17 तक नंबर हम मैनुअली एक एक बार लिख देते हैं। क्या कर देते हैं? मैनुअली एक एक बार लिख देते हैं, जो बता चाह रहा हूँ। हो गया। अब हम यहाँ पे एक टाइटल देते हैं सीरियल नंबर, फिर इस पूरे डेटा को करते हैं सेलेक्ट 17 तक, यहाँ या नीचे तक, और फिर जाते हैं कस्टम सॉर्ट। अब क्या है कि मैं सीरियल नंबर के अकॉर्डिंग सॉर्ट करूंगा, किसके अकॉर्डिंग? सीरियल। अब यहाँ पे देखिए 4 बार, 1 यहाँ 4 बार है और फिर नीचे 1 बार है, तो 4 बार में डेटा है बट नीचे वाले 1 में तो ब्लैंक है, क्या सर? नीचे वाले 1 में क्या है? ब्लैंक है, देन यहाँ पे ओके करेंगे, तो नीचे वाला 1 ऊपर वाला 1 के नीचे आएगा, मतलब कि ब्लैंक रो के साथ आएगा, क्योंकि कभी भी सॉर्टिंग में डेटा सिंगल नहीं आता, पूरी रो लेके आता। तो हर 4 के बाद एक ब्लैंक रो इंसर्ट हो गया, समझे कि नहीं सर ये? हेलो, हाँ जी सर, समझा। ओके, अब इसकी काम हो गया, मैं इसको कर देता हूँ डिलीट। तो मेरा एक काम हो गया है कि हर 4 के बाद एक ब्लैंक रो इंसर्ट हुआ। अभी भी प्रॉब्लम है कि मुझे इसमें टोटल ऐड करना है, फॉर्मूला ऐड करना है, कैसे करें? तो हम इसको सेलेक्ट कर लेते हैं, सेलेक्ट कर लिए नीचे तक, और यहाँ फाइनेंस सेलेक्ट के अंदर गो टू स्पेशल होता है। फाइनेंस सेलेक्ट के अंदर क्या होता है? गो टू स्पेशल, इस पर क्लिक करते हैं और यहाँ ब्लैंक पे क्लिक करते हैं एंड ओके करते हैं। इस कॉलर में जितने भी ब्लैंक थे वो सिलेक्ट हो गया, डेटा सिलेक्ट नहीं, सिर्फ ब्लैंक सिलेक्ट हुआ है। फिर मैं यहाँ पे टोटल लिखा, अब लिख के मैं एंटर मारूंगा तो यहीं पे यहाँ पे कर्सर जंप कर जाएगा, एक ही सेल में टाइप होगा, बट मैं यहाँ पे एंटर ना मार के कंट्रोल एंटर प्रेस करूंगा, कंट्रोल एंटर। जैसे ही कंट्रोल एंटर प्रेस किया, आप देखें कि जितने भी ब्लैंक जगह थे सब पे क्या हुआ? टोटल ऐड हो गया। अब मुझे यहाँ पे फॉर्मूला भी लगाना है, तो सेम दोनों को हम यहाँ पे सिलेक्ट करते हैं, फिर वही फाइनेंस सेलेक्ट, गो टू स्पेशल, ब्लैंक, ओके, और इक्वल सम, और यहाँ पे सिलेक्ट कर लिया डेटा को और ब्रैकेट क्लोज, और नॉर्मल एंटर ना प्रेस करके कंट्रोल विद एंटर, बोल्ड कर दीजिए, कलर करना है कलर कर दीजिए,
एक बार में सब बोल समझे सर। हाँ जी सर। सर इन टोटल का टोटल करना हो दोबारा कैसे करूँगा? इस टोटल का टोटल आपको यहाँ पे चाहिए कि टोटल सारे टोटल टोटल क्या है? हाँ जैसे टोटल का अब टोटल इसके है लिए समीफ करना पड़ेगा। समीफ हमने रेंज लिया, क्राइटेरिया लिया कि टोटल और सम रेंज ले लिया, इसको सम करना है, इसी क्वांटिटी को सम करना हमें, तो क्वांटिटी ले लिया। अच्छा सम इफ्स था, सम इफ करना था, ठीक है, क्लियर सर? हाँ जी सर हो गया। अब होम मेनू वाले में एक बार हम कर लेते क्या क्या कर लिया। हमने कॉपी पेस्ट करना सिखा ही दिया, हमने फॉर्मेटिंग करना सिखा ही दिया, हाँ उसका कंडीशन फॉर्मेटिंग सिखा दिया, नंबर जो फॉर्मेट है ये सब जो छोटी मोटी चीजें हैं, लेकिन फिर भी एक झलक देता हूँ। क्या होता है कि डेटा को प्री डिफाइंड फॉर्मेट करने के लिए इसका इसका यूज किया जाता है। इससे अपने फॉर्मेट जब टेबल बना दिया तो टेबल में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। जैसे फिल्टर लगा हुआ है, आधा डेटा सेलेक्ट किया इसलिए ऐसा होगा। यहाँ पे हो गया। उसके अलावा यहाँ पे आते हैं, ये फॉर्मेट सेल है तो बने बनाए फॉर्मेटिंग इसके अंदर असाइन कर देता है। इंसर्ट करना, सीट इंसर्ट करना, रो इंसर्ट करना, सीट आपका सेल इंसर्ट करना, कॉलम इंसर्ट करना, डिलीट करना, फॉर्मेट में भी खास है प्रोटेक्शन सर बता ही दिया प्रोटेक्शन, बाकी रिनेम करना, मूव कॉपी, तो नॉर्मल चीज़ है। ऐसे ही आपका ये ऑटोसम है, फिल है, क्लियर करना है और शॉर्टिंग मेनू बता दें। तो होम मेनू बार यहाँ पे आपका होता है फिनिश, ठीक है। अब अगला टॉपिक जो है डेटा एनालिसिस है, डेटा एनालिसिस विद पिवट टेबल। देखिए डेटा एनालिसिस करने से पहले आपको देना होगा एक टेस्ट, समझे? तो चलिए टेस्ट के क्वेश्चन समझा देता हूँ क्या है। जब तक आप मुझे करके नहीं दिखाएंगे तब तक कैसे पता चलेगा कि आपके आपको क्या आया क्या नहीं आया, क्या सर? तो टेस्ट को समझिए। पहला क्वेश्चन नंबर वन यहाँ पे देखते हैं, इसमें से हमें क्या करना है, रिमूव फॉर्मूला इन सेम एरिया, मतलब इस एरिया का फॉर्मूला रिमूव करना है। क्वेश्चन नंबर टू है, इसमें है आपका कि मुझे अचीव परसेंटेज निकालना है अगर टारगेट 70 है, बट डू नॉट रिमूव फॉर्मूला एंड से कैलकुलेट सेम एरिया, सेम हो गया, सेम एरिया होना चाहिए, ठीक है। मतलब मुझे इसी एरिया पे इसको फॉर्मूला को बिना हटाए इसके ऊपर 70 का टारगेट है, इसको परसेंटेज में अच्छी परसेंटेज कन्वर्ट करना है। क्वेश्चन नंबर थ्री है, इसमें आपको इस तरह का फॉर्मेट अप्लाई करना है, लिख रहे। क्वेश्चन नंबर फोर है, क्वेश्चन नंबर फोर में यहाँ पे कस्टम फॉर्म अप्लाई करना और पासवर्ड जो है वो कुछ इस तरह से होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर फाइव है, कंडीशन फॉर्मेटिंग आपको इसमें अप्लाई करना है और मैं चाहता हूँ इसमें हर रिपीट वैल्यू डुप्लीकेट वैल्यू हाईलाइट हो, बट फर्स्ट नहीं। जैसे मैंने यहाँ पर मान लीजिए मैंने 70 लिख दिया और नीचे भी 70 है, तो आपको ऊपर वाला 70 हाईलाइट नहीं होना चाहिए, नीचे वाला 70 हाईलाइट होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर सिक्स है जो यहाँ पे प्रॉफिट अप्लाई करना है आइकन अप एंड डाउन है प्रॉफिट परसेंटेज, ये वाला आइकन चाहिए, ठीक है। लेकिन वही है कि अगर प्रॉफिट अप होता है तो अप का, डाउन होता है तो डाउन का, अगर माइनस में गया तो डाउन, प्लस में गया तो अप। अब ये आपका यह एरिया, अब इसमें आपको हर टीम, अभी जो बताया ना वही चीज़ करना है, हर टीम के बाद एक रो इंसर्ट करना है और यहाँ पे क्वांटिटी वन का टाइटल देना है और टोटल अप्लाई सेंड करना है ऑल पर। क्वेश्चन नंबर एट में क्या करना है,
इसमें क्या है कि हमें कॉपी पे डेटा करना है, इसमें कुछ कॉल ना हाइड है, तो मुझे सिर्फ विजुअल सेल्स को ही कॉपी करना, हाइड को कॉपी नहीं करना। ये तो बताया नहीं इसने, शायद आपने देखा नहीं। यहाँ हमने बताया फाइनल सेलेक्ट में, गो टू स्पेशल में, जहाँ ने ब्लैंक किया इसमें विजुअल सेल्स ऑन है, तो विजुअल सेल्स को सिलेक्ट करेगा, कोई बेस करेगा, ठीक है। अब इसमें क्या करना है आपको कि जो कलर ग्रेड है ना उसको ग्रीन में रिप्लेस करना, वो भी वन बार, मैनुअल नहीं करना है। ठीक, एक कमांड। क्वेश्चन नंबर 10, ए बैलेंस शीट आपको बनाना है, बैलेंस शीट, ठीक है। ठीक, एक क्वेश्चन आपको हम भेज देते हैं, आप बनाइए और मुझे भेजिए, बन जाएगा ना सर? हाँ सर, बन जाएगा। तो आज की रिकॉर्डिंग भी आपको मैं भेज देता हूँ।